अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुरम, जैसा कि मेरा यूट्यूब चैनल है इख्तियार जे पी मोटर ब्लॉग। मैंने एक पहले वीडियो अपलोड की कि मैं यूट्यूब क्विट कर रहा हूँ, थोड़ा सा लाउड बोलो ना। मैंने पहले वीडियो अपलोड की कि मैं यूट्यूब क्विट कर रहा हूँ। मैंने मतलब कुछ ज़िंदगी के जो मामला होते ना, हर ज़िंदगी मैं कुछ चीज़ें डायरेक्टली कहूँगा, कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली कहूँगा। जो मैं चीज़ अब इनडायरेक्टली कुछ ये चीज़ है, ये आपने अब समझना है, खुद ही अंदाज़ा लगाना है इस चीज़ से। इनडायरेक्टली ये बता रहा हूँ, जब आपका कोई बीमार होता है ना, मैं इनडायरेक्टली बता रहा हूँ, कोई भी बट अगर कोई बीमार होता है, किसी कोई मसले ज़िंदगी के इंसानों के साथ मसले चलते रहते हैं, तो वो ना जब अचानक से कोई मसला आता है ना, यार मैं सही नहीं हो रहा, दरअसल एक है मास्क नहीं पहन लेते, कुछ नहीं होता, कल तो वीडियो बना ऐसे अपलोड कर दूंगा, कुछ नहीं होता। तो ना कुछ वैसे मुझे सफोकेशन होती है, बता दो क्या करो, मूछें बढ़ गई मेरी, दाढ़ी ज्ञान। खैर, जब कहीं भी किसी से मुश्किल कोई भी आती है, तो मतलब इंसान ना वो रहता है, वो उसको समझ नहीं आती, समझ मतलब आ रही होती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो फिर कुछ चीज़ें ना बेमानी शुरू हो जाती हैं, चीज़ें अपनी कदर खोना शुरू हो जाती हैं, फिर जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, जो जो भी पैसा, गाड़ी, घर, मकान, इवन के आ जाके ना वो भी अपने भी इतने जहर लगना शुरू हो जाते हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि वो मुश्किल, मैं एक मुश्किल बात बता रहा हूँ कि जब इंसान किसी पे मुश्किल आती है, सही है। अच्छा, हमारे दरअसल एक महीना हो गया मैं ना बार्बर के पास नहीं गया। अब मुश्किल के बाद हर इंसान के मुश्किलें चलती हैं, पॉइंट याद रखिएगा, इनडायरेक्टली बता रहा हूँ मैं। हमारे ये क्या होता है, सोशल मीडिया पे किसी का कोई बीमार होता है तो वो अपलोड कर देता है ये लिख के कि फॉर एग्जांपल ये बीमार है, काइंडली मेरे लिए दुआ करें। इस हद तक तो ठीक है, तो ये भी नहीं बल्कि कहना चाहिए कि, क्योंकि फिर और दूसरी ये बात है कि जब कोई इस दुनिया से चले जाता है तो हम क्या करते हैं, उसकी पिक्चर लगाते हैं फेसबुक के ऊपर, फिर उसको हम कहते हैं, मतलब वो कहते हैं ये दुनिया में नहीं रहा, अल्लाह इसको जन्नत अल-फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, ये वट एवर जो भी बेचारे के लिए चीज़ होती हैं, पर हम ये सोच के कर रहे हैं कि उसके लिए हम अच्छा कर रहे हैं, कि लोग उसके लिए दुआ कर रहे हैं, हम ये सोच के उसको उसकी पिक्चर अपलोड कर देते हैं। हालांकि ये मुझे बहुत बुरी चीज़ लगती है, उससे क्या होता है कि हमारे ना वो हम उसकी बेहरमती कर रहे हैं, उस जो बंदा एक तो मर गया, ऊपर से हम क्या करते हैं वो फेसबुक पे उसको लाइक करते हैं, मतलब उसको लाइक करते हैं, इवन उसको हाँ नीचे कमेंट्स में ये भी कहते हैं अल्लाह उसको जन्नत में अला मुकाम, उसको लाइक करते हैं, कितनी बेहरमती है उसकी। मैं ये इनडायरेक्टली चीज़ें बता रहा हूँ, तो अब ये बता रहा हूँ, मतलब यार ये मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसी चीज़ें। हम अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे, मैं टेंशन में था किसी अपने की वजह से। मेरे अबू की ना तबीयत ख़राब थी, मतलब माशाल्लाह ठीक हो गए हैं, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि ना मतलब चीज़ों को ना आप अब मैंने नहीं कहा कि मेरे अबू के लिए दुआ, हाँ बोल के कहता था कि अबू के लिए दुआ करनी भी चाहिए, मैं ही नहीं कहता करनी चाहिए दुआ, पर मैंने किसी भी उसको मतलब नहीं किया कि मतलब अपना स्टेटस लगा दिया। मुझे ये था कि नज़र ना लग जाए, माशाल्लाह आज है क्या है, आज 20 अप्रैल है, आज 20 अप्रैल है, पूरा हमें एक महीना हो गया इसी में। अबू की तबीयत ख़राब थी, माशाल्लाह आज ठीक हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये चीज़ मैं इसलिए थोड़ा सा नहीं वीडियो, फिर मैं इतना बीच में डिसाइड हो गया था, तो मैं इवन मैं अपना यूट्यूब चैनल जो है ना वो डिलीट करने लगा था
मैंने लिख दिया, और चीज़ें भी मैं नहीं हुई थी ना, कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी मुझे, अब मैं अकेला क्या करता, किसको किसका हौसला किसके ऊपर फेंकता अपना। वो बंदा होता ना कोई साथ देने वाला हो, मेरे पास कोई। अब हुआ क्या कि जब अल्लाह ताला ना, जब इंसान पे कोई मुश्किल आती है ना, अल्लाह ताला ना लोग इंसान को ना झटका। तो मैं वीडियो चेक करना शुरू हो गया, तो कोई शोर वगैरह तो नहीं आ रहा, मौसम आज अच्छा है ना बहुत। हम ये कहते हो कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ना इंसान को रियलाइज़ करवाने के लिए ना, उसको करवाने के लिए कुछ, आप उसको इन अ सेंस कर लें कि वो इम्तिहान होते हैं इंसान के। हाँ, इंसान अपने आप में तो बहुत कहता है कि यार मैं बहुत परफेक्टली जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं अतिया दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अतिया कहते हैं, हदिया कहते हैं, मतलब जो भी है मैं लोगों को बांट रहा हूँ, सारे चीज़ें कर रहा हूँ, ज़कात दे रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं अंडरपास आ गया। तो कहीं ना कहीं किसी कोई ना कोई चीज़ पीछे पैकेट में चीज़ चल रही होती है, आपको नहीं पता हो रही। फिर इसलिए कहते हैं जब इंसान सोए ना, अपना एनालिसिस लाजमी करके सोए, सॉट एनालिसिस करके सोए, स्ट्रेंथ वीकनेसेस ना हम पढ़ते होते हैं, अपना एनालिसिस करके सोए कि मैंने किसके साथ गलत किया, किसने मेरे साथ गलत किया। फिर उसको सो के ना कुछ आप माफ़ कर दिए, अगर किसी ने आपके साथ अगर बुरा किया आप, तो फिर अगर किसी के साथ आपने बुरा किया उसको अल्लाह से तौबा कर सो। खैर, अगर किसी के ऊपर ये मुश्किल आती है, कोई भी घरेलू व्हाटएवर, तो आप ना क्या हुआ, मेरे मोबाइल की वो स्टोरेज फुल हो गई इसकी, अब ये दूसरे चाइना वाले मोबाइल से बना रहा हूँ वीडियो, इसका मोबाइल चाइना का, चाइना चाइना ही अब वो जो वीवो हो जाए सारे, अब इसकी कितनी थकी क्वालिटी आ रही है। अच्छा तो बात यार चुप कर जाए, मुझे वीडियो बना। अच्छा तो ना मैं वीडियो अब यूट्यूब क्विट नहीं करूँगा आहिस्ता आहिस्ता ना। हाँ, मैं कह रहा था इंसान के पीछे जो चीज़ें चल रही होती है ना, जो प्रोसीजर चल रहा होता है, वो समझता है बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, इसमें कोई है नहीं है सिस्टम। तो ये ज़रूरी होती हैं चीज़ें, ठोकर लग रही है इंसान ने सही होना, वरना नहीं सही होना, इसको ला कुछ कह लेना कुछ नहीं होता ये चीज़ें। खैर, ये इम्तिहान था कुछ, अल्लाह बस सब के माँ बाप को अपने जुबान में रखे, माशाल्लाह। मुश्किल टाइम गुजर ही जाता है, अच्छा हो या बुरा हो, कोई भी टाइम गुजर ही जाता है, पर कोरोना नहीं गुजरता साला। क्या बोलूं मैं, मेरे इस एक माह के अंदर ना मेरे सारी चीज़ें धर्म भरम हो गई, ना कोई मेरी डाइट रही, ना कोई जिम, ये हालात देख ले मुझे बनी हुई है। तो YouTube में क्विट नहीं करूँगा, वो बस मैंने, मुझे पता था मैंने ये वीडियो, जब मैंने YouTube क्विट पहले मैं डिलीट करने लगा, शुक्र करें मैंने क्विट का कह दिया, एक चांस तो मिल तो गया ना डिलीट करके, फिर मेरा ये चैनल ही नहीं वापस आना था। शुक्र करें मैंने सिंपली क्विट करके वीडियो अपलोड कर दी, मुझे हौसला हो गया। मैं कह रहा था हर चीज़ फना हो जाए बस, ये थी। तो इंशाल्लाह रेगुलर व्लॉग बनाऊंगा इंशाल्लाह कुछ दिनों तक, ये रमज़ान निकाल के ना, तो ना उसमें क्वेश्चन आंसर कर लें कुछ। अच्छा, मैंने ये जो वीडियो अपलोड की ना कि मैं क्विट कर रहा हूँ यूट्यूब, इसमें कमेंट मैंने आज पढ़े हैं, टाइम ही नहीं मिला उसके बाद भाई। अच्छा, सबसे पहले मैसेज है जी, भाई जान, भाई आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, बिलीव मी आई वॉच, ये है एहसन मुहद्दिस, आई वॉच योर वीडियोज एवरी डे, सजेस्ट मी फ्रेंड टू वॉच आर जे पी मोटिव व्लॉग, प्लीज डोंट क्विट यूट्यूब, आई एम बिगेस्ट फैन, आप बहुत अच्छे है भाई, थैंक यू। इस तरह के बड़े वैसे हैं। अच्छा जी, ब्रह्मानंद ये क्या लिखा, ब्रह्मानंद वाई यार भाई ये हेटर्स की, अच्छा वो कह रहे हैं हेटर्स की वजह से अब वीडियो यूट्यूब छोड़ने में, कह नहीं यार
जिंदगी के मसले मसाइल ऐसे बिजी था समझ लें। ठीक करनी थी यार, मैं जा रहा हूँ काम बड़े हैं अब, मैं थोड़ी सी वीडियो बना लें, मैं फिर डिटेल में इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। मैं क्विट नहीं कर रहा हूँ ये यूट्यूब इंशाल्लाह, बस जब कोई मुश्किल हो ना सर पे बहुत हैवी सी तो बंद करते यार, ये भी बंद कर दी, ये भी बंद कर दी, ये भी बस मेरे से ये रहा नहीं गया, मैंने कहा बंद करो ये भी। तो अब नॉर्मल हो गई जिंदगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको अपने जुबान में रखेंगे। अपडेट्स बड़ी हैं, मैं आज सभी की एक माह बाद हंसी मुक गई थी साड़ी, तो अपडेट्स बहुत आए, बस अब क्या कहते हैं स्टे ट्यून्ड, मज़े के व्लॉग आए तो इंशाल्लाह बहुत कुछ आना है, अभी तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है, मैंने बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है, चबले नहीं मारने, मैंने उस चबल मारने की जो ड्राइविंग है ना उसका मैंने एक सोचा हुआ है अभी, कि वो इनको भी बताएंगे, वो कहते हैं कि यार आप फ्रंट की ड्राइविंग कर रहे हो तो पीछे बैक व्यू कैसे आना, बैक व्यू भी डालना है। खैर बहुत बहुत मेरे पास अपडेट्स पड़ी हुई हैं, मैंने ये देखे ये मैंने इधर GoPro लगा रहा था सेट, इसके ऊपर ना फिट नहीं हो रहा था, जब गाड़ियाँ चेंज होंगी इसमें GoPro भी लग जाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत कुछ पड़ा है इंशाल्लाह। तो मैंने अपडेट करनी थी यार, अगर अब बोर हो तो मैं क्या करूँ, बोर ही होंगे होंगे, मुझे कुछ खास तो मैंने बोला नहीं इसके अंदर, ये बोला था कि मैं क्यों क्विट करने का सोच रहा था, तो इसलिए मैंने इतनी देर अपलोड नहीं की वीडियो। ओके बाय, टाटा नैनो, टाटा नैनो, वो इंडिया की गाड़ी है टाटा नैनो, सस्ती है। खैर ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, और घर में रहें, महफूज रहें, वैक्सीन का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है, दस मिनट लगवाएंगे ना, वैक्सीन ना लगवाएं, लगवाएं पर मेरे हिसाब से जो बंदा वो बंदा लगवाए जो 40 प्लस है वो वैक्सीन लगवाए, बाकी वैक्सीन ना लगवाए। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, हमें कोरोना कोरोना से डराई जा रहे हैं लोग, कोरोना है वाकई एग्जिस्ट कर रहा है, पर जब मेरा माइंड है हम आधे तब मर जाते हैं दिमागी तौर पे जब हम कह देते हैं आपको कोरोना है, पर कोरोना मैं आपको बताता हूँ जिसकी अभी तक ऑथेंटिक और एग्जैक्ट, एक मिनट ही गुजर जाए, एग्जैक्ट वो नहीं आई, वैक्सीन नहीं आई, तो ये कैसे टेस्ट कर रहे हैं कि ये कोरोना है, पॉइंट जिसकी अभी तक कोई ऐसी वैक्सीन ही आई कि उसको वैक्सीन को मतलब वो उस बीमारी का इलाज, अभी डॉक्टरों की वो समझ में नहीं आ रहा इसका इलाज क्या, तो उसको कैसे वो फॉर्मूला लगा के उसको वेरीफाई कर देते कि ये कोरोना है, इसको कोरोना कम और ज़रा दिमाग पे ना लगाएं कि कोरोना हो गया, आपने टेस्ट ही नहीं कराना, टेस्ट नहीं कराना। दूसरा आप अगर ठीक है, अगर आप में के लंग्स में कोई मसला है टेस्ट करवा लें, पर आपने हैवी दिमाग पे, ये सारा गेम दिमाग की है, अगर आप मेन ये जो कोरोना है ना ये करता है इफेक्ट लंग्स के ऊपर, मेन इसकी प्रायोरिटी लंग्स पे होती है, वो कोई भी चीज़ आपकी मतलब वो और भी चीज़ें बीमारी पे हमला करता है ये चीज़ें, पर फिर मेन इसका टारगेट लंग्स, अगर लंग्स ठीक है तो मसला नहीं है। मैं एडा वड्डा कदे डॉक्टर, ओके बाय, टाटा नैनो, बाय बाय।
आवाज बंद हो गई मेरी मैं चेक कर रहा था, एक माह हो गया मैंने ऐसी ड्राइविंग नहीं की कि मैं मर तो नहीं गया, मेरी हाथ पांव मेरे काम कर रहे हैं, मैं चेक कर रहा था चल रहे हैं। अगला बंदा मर जाए मर नहीं जाए, मैं चेक कर रहा था यार, मैंने एक माह कुछ नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं एक माह कैसे, आज मैं दुनिया पे आया हूँ। यार ये कोई बहादुरी नहीं है, ये नशा है, ये नशा पता कब टूटता है, जब इंसान को ना ये नशा, तब एक नशा है जो मैं मतलब मैं इस तरह की ड्राइविंग करता हूँ, मैं हर रोज इस तरह नहीं करता, कभी कभार, अब ये नशा पता कब टूटता है, कोई भी इंसान अगर नशे ही है ना, कोई नशा करता है तो वो पता कब उसको समझ आती है, जब वो मर जाता है, मुझे पता कब समझ आनी है, आहो ये नशा पता कब टूटता है, जब इंसान पे कोई साथ वो खुद हो जाए कुछ उसको, या फिर अल्लाह ना करे ये नशे ऐसे। ओके बाय, ये एंड पर था बाय, मैंने कहा एंड वाला जो एक होता है एक्स्ट्रो एक्स्ट्रो के इंट्रो, एक तो इंट्रो, ये एंड वाली वीडियो थी, मजे मजे वाली। ओके बाय।